दिख रहा है। वाह कितना मस्त। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हम लोग सुबह में टहलने के निकले थे तो दो पक्षी ठंड के मारे बहुत ज़्यादा कांप रही थी और उड़ने कोशिश कर रही थी पर नहीं उड़ पा रही थी, बार बार नीचे गिर जा रही थी। एंड उसको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगा था, जो कि एक पक्षी काफ़ी लंबे समय तक उड़ रही थी और इसका मलम पट्टी और बहुत सेवा किए हैं लोग। इस पक्षी के बारे में बोले तो यह 200 दिनों तक आकाश में उड़ती रहती है और 160 किलोमीटर रफ्तार से 24 घंटा में 1000 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यह पक्षी जल्दी धरती पर नहीं उतरती क्योंकि आकाश में ही अपना छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को खा लेती है और आकाश में ही आराम कर लेती है, जो कि इसका आगे का पैर काफ़ी छोटा और आगे की तरफ उंगलियाँ होती है, जो कि या धरती पर या पेड़ पौधे पर सीधे खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए यह सारा जीवन इसका आकाश में ही गुजरता है। और इस पक्षी के बारे में बता दूँ तो इस पक्षी का नाम है स्पाइनर स्वाइप, इसको हिंदी में बतासी बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे तेज उड़ने वाली यह पक्षी है, जो कि हम लोगों के पास मिली और काफ़ी मज़ा है, जो कि क्यूट और मस्त दिखती है। तो गाइस कल रात इतना तेज बारिश हो रहा था कि दोनों पक्षी ठंड के मारे सुबह में कांप रही थी, जो कि एक को हमने ठीक कर दी जो कि उड़ गई, दूसरी काफी कमजोर लग रही थी जो कि उड़ने में काफी दिक्कत आ रही है इसको, और उड़ने कोशिश करने के बाद भी बार बार जाकर थोड़ा दूर के बाद गिर जा रहा है। दूसरी पक्षी भी उड़ गई जो कि देखकर काफी मजा आया। तो गाइस आपको बता दें कि कोई भी असहाय पक्षी या जानवर आपको दिखे तो प्लीज उसकी हेल्प करें। वैसे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तो आज के लिए बाय एंड टेक केयर।